हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे सीआरपीसी के चैप्टर 10 की, लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि चैप्टर 10 में 4 पार्ट्स हैं। ए, विधि विरुद्ध जमाव, जिसकी हम बात कर रहे थे, 129 से 132 तक है। 129 में हमने देखा था सिविल एक्शन यूज़ किया जाता है और 130 में आर्म्ड फोर्स का यूज़ बताया गया है। गाइस, 129 में और 130 में किस किस को एम्पावर किया गया है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब हम बात करते हैं 131 और 132 की। फ्रेंड्स, इसको 131 को पहले जनरल लैंग्वेज से समझते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और लोक सुरक्षा को संकट है, तो सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों को शक्ति दी गई है। अब वो कौन कौन से अधिकारी हैं? कमीशन्ड ऑफिसर हैं और गजेटेड ऑफिसर हैं। और गाइस, वो उस जमाव को तितर बितर करने के लिए हेल्प लेते हैं आर्म्ड फोर्स की। और वो इंस्ट्रक्शंस किसके फॉलो करते हैं, ये हम जानते हैं। तो गाइस, यही है, दो कंडीशन है इसमें, लोक सुरक्षा को संकट है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब आते हैं सशस्त्र बल के कुछ अधिकारियों की शक्ति। गाइस, जैसा इसमें दिया गया है, कमीशन्ड ऑफिसर और गजेटेड ऑफिसर आर्म्ड फोर्स के होते हैं फ्रेंड्स ये। और ये एक्शन कैसे ले, विद द हेल्प ऑफ आर्म्ड फोर्स से, आर्म्ड फोर्स की सहायता से उस असेंबली को डिस्पर्स करवाते हैं। और यहाँ पर भी है कि मे, अगर ज़रूरत है तो अरेस्ट कर सकते हैं, कन्फाइन कर सकते हैं और पनिश भी कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू लॉ। फ्रेंड्स, अब ये जो कमीशन और गजेटेड ऑफिसर होते हैं, वो मजिस्ट्रेट के इंस्ट्रक्शंस को ऑबे करते हैं कि उन्हें उस एक्शन को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, ही शैल और शैल नॉट कंटिन्यू। तो यहाँ ओबे करते हैं इंस्ट्रक्शंस मजिस्ट्रेट के। गाइस, सिर्फ इतना ही है 131 में कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो कमीशन और या फिर गजेटेड ऑफिसर से हेल्प की जाती है आर्म्ड फोर्स की सहायता से। अब हम बात करते हैं 132 की। फ्रेंड्स, सेक्शन 132 में संरक्षण दिया गया है, मींस प्रोटेक्शन दिया गया है अभियोजन से कि प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। किनका प्रोसिक्यूशन नहीं होगा? जो 129, 130 और 131 में काम करते हैं। मजिस्ट्रेट आते हैं गाइस, पुलिस ऑफिसर आते हैं और आते हैं एनी अदर पर्सन, इनको तीनों को प्रोटेक्शन दिया गया है। फ्रेंड्स, आप इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, पूरा सेक्शन एक साथ किसी के भी याद नहीं होता है। अब हम देखते हैं कि जब प्रोटेक्शन इनको दिया गया है तो प्रोसिक्यूशन तो नहीं होना है, लेकिन कुछ कंडीशंस दी गई हैं जहां पर प्रोसिक्यूशन हो सकता है। फ्रेंड्स, ये याद रखिए क्रॉस के, प्रोसिक्यूशन नहीं होता है। और ये रेड बट भी याद रखिए कि लेकिन प्रोसिक्यूशन किया भी जा सकता है विद द सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। कि अब सेंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए यूज़ किया जाएगा? कि जो मेंबर हैं या ऑफिसर हैं आर्म्ड फोर्स के, तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सेंक्शन ज़रूरी है और तब प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। और अगर मेंबर और ऑफिसर जो आर्म्ड फोर्स के नहीं हैं, उनको छोड़कर जो पर्सन आते हैं अदर केस में, सेंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट गाइस, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट होता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि शैल बी डीम्ड नो ऑफेंस, कि कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर है जो एक्ट करता है इन सेक्शन में 129 में, 130 में, तो वहाँ जो गुड फेथ में होता है, गाइस यहाँ गुड फेथ इम्पोर्टेंस रखता है, तो उनके एक्ट्स को ऑफेंस नहीं माना जाएगा। बी दिया है इसका, एनी पर्सन एक्टेड इन गुड फेथ, गाइस यहाँ भी गुड फेथ है, इन कंप्लायंस विद रिक्विजिशन अंडर सेक्शन 139 और 130, जो 129 में सिविल एक्शन और 130 में आर्म्ड फोर्स से करते हैं, उन पर्सन्स को यहाँ पर गुड फेथ के
ऑफेंस उनके एक्ट को नहीं माना जाता है। सी पार्ट अब हम इसका देखते हैं, ऑफिसर ऑफ आर्म्ड फोर्स। गाइस यहाँ ऑफिसर्स की बात की गई है सी में, कि जो 131 में करते हैं गुड फेथ में, उनके एक्ट को भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। अब बात करते हैं डी की, कि डी में अब बात देखिए, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी आ गए, अदर पर्सन्स भी बी में आ गए, सी में ऑफिसर्स आ गए आर्म्ड फोर्स के, अब बचते हैं आर्म्ड फोर्स के मेंबर। तो अब यहाँ मेंबर्स को प्रोटेक्शन की बात, कि जो डूइंग एन एक्ट इन ओबीडियंस, अब वो ओबीडियंस में कि उनका एक्ट करने के लिए वो उस ऑर्डर को ओबे करने के लिए बाउंड है, तो उन मेंबर्स को यहाँ प्रोटेक्शन दिया गया है कि इनके एक्ट को भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो गाइज हमने 4A, B, C, D चारों देखे, और सब सेक्शन 3 में बताया गया है आर्म्ड फोर्स, ऑफिसर और मेंबर कौन होंगे। गाइस आर्म्ड फोर्स में तीनों फोर्सेस आती हैं, और ये बाकी गाइस सब सेक्शन 3 प्री के लिए इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, बट मेंस के लिए इम्पोर्टेंस रखता है अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। गाइस ए पार्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक न्यूसेंस की। गाइस इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन कैन कॉमेंट अस एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।